Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell. हेलो फ्रेंड्स, मैं रोजी जाफरी और मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं करी पत्ता को दिखा रही हूँ, इसकी सीड्स को जो पूरी पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। और ऐसे तो मैं इसके कई पोस्ट कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे भी, इसके फ्लावरिंग की और कच्चे बीजों की। लेकिन अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो है मकसद इसको ग्रो करने का। तो इसे कैसे ग्रो करना है, कई तरीके से करी पत्ता के प्लांट को लगाया जाता है, जैसे कि इसकी कटिंग से लगाते हैं या फिर इसको कलम के ज़रिए जो पौधे में ही वहाँ पे मिट्टी लगाकर जो काट कर थोड़ा सा, मतलब उसका प्रोसेस है जो आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, तो वो उस ज़रिए से लगता है, कलम के ज़रिए। और तीसरा जो है इसके बीज से, तो बीज से ही से भी हम बहुत अच्छे से इसको ग्रो करते हैं, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तैयार हो चुकी है सिर्फ, तो इस तरह उसका गुदा जो है निकाल देते हैं ताकि बीज बिल्कुल निकल गई बाहर। और इसको हम थोड़ा पानी में, कोई छोटे से पॉट में पानी ले लीजिए और उसमें इसको धो दीजिए ताकि इसके ऊपर की सतह की जो चिपचिपाहट है वो हट जाए, और जब साफ़ हो जाए तब उसको ग्रो करना चाहिए। और चूँकि हमने उसकी भी शूट किया था, उसको भी करते हुए, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जब स्टोरेज फुल हो जाता है तो हमें डिलीट करना पड़ता है बहुत सारा जो एक्स्ट्रा भी होता है क्लिप्स, तो उसी में शायद वो डिलीट हो गई, तो मैं उसको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो फिर भी, लेकिन जो कुछ बीज हमने लगाए थे वो प्लांट उग चुका है, मतलब निकल चुका है प्लांट, तो उसको मैं आपको दिखा दूँगी ताकि आप देख सकते हैं इसके प्लांट को, बेबी प्लांट को। ये देखिए, ये छोटे छोटे से प्लांट, जब बीज को मैंने ऐसे ही ग्रो किया था, तो वैसे तो अगर बड़ा प्लांट है, नीचे ज़मीन है या गमले में अगर इसकी सीड गिरती है तो ऐसे भी ग्रो हो जाता है ये। लेकिन चूँकि जैसे हमने आपको बताया कि उसकी बीज को धोकर तब उसको लगाएं, तो वो जल्दी और आसानी से ग्रो हो जाती है, उसमें मतलब ज़्यादा उससे ज़्यादा ग्रो हो सकता है। एक हमने यहाँ भी लगाया था तो यहाँ पर भी ग्रो हो गई है, और एक प्लांट के पास ही लगा दिया था जो इसका मदर प्लांट है, उसके पास ही। और कई प्लांट निकले थे लेकिन कुछ को चिड़ियों ने मतलब काट के ख़राब कर दिया पौधों में, एक में ओवर वाटरिंग हो गई तो वो भी प्लांट हमारा बर्बाद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो रखना नहीं, मुझे इन सब प्लांट को थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं किसी को दे दूँगी। तो बस करना क्या है कि बीज को लेकर थोड़ी मिट्टी हटाकर आधा इंच से लेकर एक इंच तक आप डिप इसको लगा सकते हैं, और फिर हल्की सी मिट्टी से उसको ढक दीजिए, फिर ये खुद बखुद ग्रो हो जाए। हाँ, मिट्टी के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी है, बस नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है और बीज लगाने के बाद पानी डाल दीजिए ताकि वो अच्छे से भीग जाए, और उसके बाद फिर छोड़ दें, मॉइस्ट रखनी है मिट्टी को, बस इतना ख्याल रखें और बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये। तो होप के आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही ईजी है ये ग्रो करना। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी गार्डनिंग, सी यू अगेन, बाय।